नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। आगामी विधानसभा चुनाव के निष्पक्ष संचालन के लिए पुलिस और प्रशासन के द्वारा बनाई गई योजना कारगर साबित होती दिखाई दे रही है। नशीली पदार्थ सहित चुनाव आयोग के द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार सीमा से अधिक नकदी पर कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए अब तक जब्त किए गए हैं। बीते दिवस त्योथर विधानसभा क्षेत्र के संदोह चेकिंग नाका में वाहन चेकिंग के दौरान सुहागी निवासी देवनाथ कुशवाहा के पास से 1,52,169 रुपए बरामद किए गए। एसएसटी टीम प्रभारी का कहना था कि इस संबंध में जब हिसाब मांगा गया तो वह देने में असमर्थ रहा, जिसके बाद यह राशि कलेक्ट्रेट कार्यालय में जमा कराई गई है। कार्रवाई के दौरान जनेह थाने में पदस्थ पुलिसकर्मियों की मौजूदगी के साथ नकदी की राशि कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची है। वहीं बीती रात रीवा में भी वाहन चेकिंग के दौरान तकरीबन 2.5 लाख रुपए कैश बरामद किए गए हैं। इस कार्रवाई के दौरान भी पैसा ले जाने वाले व्यक्ति के द्वारा हिसाब नहीं बताया गया। अलग अलग क्षेत्र में हुई कार्रवाई के बाद नकदी की राशि एसएसटी टीम द्वारा संबंधित थाने के पुलिस के माध्यम से कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुँचाई गयी है। निर्वाचन आयोग द्वारा जो निर्देश जारी किए गए उसके बाद पकड़े गए थे, कहाँ से पकड़े गए और क्या मामला? सर, हमारी चेकिंग पोस्ट पे ड्यूटी लगी थी जो पपोड़ा नाका है जनेव थाना के पास में, और संदोह चेकिंग नाका जिसका नाम है, वहाँ पे चेकिंग के दौरान हम सभी की चेकिंग कर रहे थे। उसी दौरान एक व्यक्ति लूना साइकिल पे आया जिसकी उम्र लगभग 56 ईयर थी, और चेकिंग के दौरान उनके पास कैश पाया गया 1,52,169 रुपये के लगभग था, और जिसके बारे में हमने उनसे पूछा गया कि इनके आहरण वितरण संबंधी कोई दस्तावेज है तो आप प्रस्तुत करें, अदरवाइज चुनाव आचार संहिता के नियमानुसार आपके ऊपर जब्ती का प्रकरण बनाया जाएगा। तो वो इससे संबंधित कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा पाए, इस कारण हमको ये 1,52,169 रुपये की राशि जब्त करवा के जो हमारा उस नियत क्षेत्र था जनेव थाना में प्रभारी थाना प्रभारी के दिशा निर्देश में इसकी जब्ती प्रकरण बनाकर हमने ट्रेजरी रीवा के लिए उसको एसडीएम के माध्यम से उसको यहाँ जमा करने के लिए आए। कौन सी टीम का भाई का ये एसएसटी टीम? यस सर, मैं उसका प्रभारी हूँ, डॉक्टर जी आर मंडली हूँ मैं।